नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। ललितपुर जिले के भ्रमण पर निकले डीएम, एसपी, यूपी, एमपी बॉर्डर की व्यवस्था परखी। आपको बता दें कि शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लोगों से लगातार अपील की जा रही है। लोगों से डिस्टेंस बनाकर रहने की अपील कर रहे हैं, साथ ही अपने अपने घर पर रहने की और अनावश्यक घर से न निकलने की अपील की जा रही है। वहीं जनपद ललितपुर में लॉकडाउन के चलते डीएम, एसपी ललितपुर जिले के क्षेत्र मदनपुर सीमा पर लगे एमपी बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी एमपी बॉर्डर का जायजा लिया। अधिकारियों ने जनता से लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील की। शुक्रवार को डीएम योगेश कुमार शुक्ल और एसपी एमएम बैग यूपी एमपी बॉर्डर सीमा मदनपुर पहुंचे। यूपी एमपी बॉर्डर को लॉकडाउन के चलते अधिकारियों के निर्देश पर पहले से ही सील किया हुआ है। डीएम, एसपी ने बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस को हर समय मुस्तैद रहने और आपातकाल स्थिति के अलावा किसी भी वाहन को नहीं गुजरने देने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। डीएम, एसपी ने कहा कि जनता को सावधानी बरतने और सहयोग देने की आवश्यकता है। इस दौरान उप जिलाधिकारी मड़ावरा कृष्ण कुमार सिंह, थाना इंचार्ज विनोद कुमार समेत पुलिस बल मौजूद रहा।